मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बड़ी खुशी हो रही है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के विच जिहड़ा कि साडा अपना आधार है साडे इलाके दे विच इहदे विच आउण दा अज मैनूं मुख्यमंत्री बन के मौका मिलिया है। टीचर्स दा अवार्ड है, उहदे बारे मैं बाद च गल करदा। पहला मैं एक गल कहांगा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी साढ़े इलाके का, साढ़े पड़ूआ पिंड का, साढ़े शहर का, साढ़े पंजाब का एक माण है कि सानू अजिहा एक बहुत ही वधिया इंस्टीट्यूशन साढ़े नौजवानों नू पढ़ाउण वास्ते, शिक्षित करन वास्ते मिलिया। तो मैं धन्नवाद करदा सदा सतनाम सिंह संधु जी का, जिन्होंने साढ़े इलाके च आके यह यूनिवर्सिटी बनाई है। और मैं उन्हां किसान नौजवानों नू जिहड़े पिंडां च रहिंदे है या वह मिडिल क्लास फैमिलीज़ के नौजवान जिहड़े शहरां विच रहिंदे है, एक सधारण परिवार च जिहड़े नौजवान है, उन्हां नू मैं बेनती करांगा कि मेरे तो पहला सतनाम सिंह संधु जी वल देखण कि किस तरह एक आम सधारण किसान का नौ मुंडा एक यूनिवर्सिटी स्थापित कर सकता है, उसका चांसलर बन सकता है। एक इतना बढ़िया इंस्टीट्यूशन चल रहा है कि सारी दुनिया चो इतने नौजवान पढ़ आते, तो मैं इन्हों का बड़ा धन्यवादी हूँ। आज तुसी टीचर्स नू सन्मानित करने लई असीं इत्थे इकट्ठे होए हैं। सब तो पहला बंदे दी टीचर है जिहड़ी उहदी मां है, कुदरती मां मिलती है सानू, कुदरती मां चों सानू सुभाव मिलता है, सानू एक सोच मिलती है, सानू निम्रता या अग्रेसिवनेस जो भी बंदे च जिस तरह का भी उहदा सुभाव हुंदा वो मां चों मिलता है। बोलण दा लहजा मां दिंदी है, बोली मां दिंदी है, पहली टीचर साडी मां है। ते उस तो बाद साड़ी जिंदगी नू जे कोई सही तरीके नाल बिल्ड करता है वह साड़ा टीचर है। ते हुण किस्मत नाल ही मिलदी है, जिहनूं टीचर चंगा मिल गया उहने चंगा बन जाणा है। क्या ये कह लो कि जिहड़े टीचर नू चंगे टीचर नू स्टूडेंट चंगा मिल गया उहने चंगा बन जाणा। तो टीचर ते जिंदगी खड़ी है, टीचर ते उहदा घर परिवार उहदा किस तरह विकास होना वह खड़ा है, टीचर ते देश खड़ा है कि किस तरीके दे नाल देश ने अगे बढ़ना है, टीचर ते ही साडा सूबा खड़ा है। टीचर की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है समाज की सिरजना दे विच, टीचर की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है देश की डिवेलपमेंट दे विच, टीचर की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है देश की एकता और अखंडता दे विच। जे कोई एक बंदा जिम्मेवार है किसी देश की तरक्की दे लई तां ओह टीचर है। परशुराम जी तो लेके तुरलाचार्य जी तो लेके चाणक्य जी तो लेके अज तक टीचर की अहमियत का कोई सानी नहीं है। ये हुण परशुराम की तरह टीचर ने लभना कि उहदा करन कौन है, ते हुण चाणक्य की तरह टीचर ने लभना कि उहदा चंद्रगुप्त मौर्य कौन, ये हुण टीचर की तरह चाणक्य द्रोणाचार्य की तरह ते तुसीं लभना कि तुहाडा करन कौन है, तुहाडा अर्जुन कौन है। इसलिए अर्जुन पैदा करने हैं, चंद्रगुप्त मौर्य पैदा करने, कर्ण पैदा करने हैं, तो टीचर ही कर सकता, होर कोई नहीं कर सकता। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है टीचर ते, इसलिए मैं थोनू बेनती करना चाहता कि सोच टीचर की क्या है,
ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਬਣੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੌਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵਰਗ। ਫੌਜੀ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ, ਟੀਚਰ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਜਦ ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬਚਪਨ 'ਤੇ ਸੋਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇਗੀ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਿਲਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ 'ਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅੰਧੇਰੋ ਆਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਲਓ, ਅੰਧੇਰੋ ਆਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਣੇ ਲਗੇਂਗੇ ਤੋ ਦਿਲ ਜਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਣਕ ਗੇਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਿਉ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਉ, ਫਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿਉ, ਸਭ ਕੁਛ ਦਿਉ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹੈ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਖਰੜ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਭਜੌਲੀ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਣੀ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟੀਚਰ ਝਿੜਕ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਿਉ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਿਉ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਝਿੜਕ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਟਣਾ ਕੱਟਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਸਕੈਜੂਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ, ਸੂਰਜ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਲਦਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ,
मैं अज तक सवेरे भी अपने नाल लड़ रहा सी, अपने नाल लड़ रहा सी सवेरे भी कि लेट क्यों उठे हैं। रात 3:30 बजे सुता लेट हो गया, हालांकि अलार्म भी लाया हुआ सी, फिर एक बार फिर झूना जा हो जाता बंदा यार 10 मिनट होर सही, लेकिन फिर मैं अपने आप को गाला जरूर कढ़ी है कि लेट क्यों होया। समय से उठना बहुत जरूरी है दोस्तों, विद्यार्थियों को कह रहे हैं सूरज नूं तुसी जगाओ, सूरज थानू ना जगावे। तो समय की मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, हिम्मत जरूरी है। बेहिम्मत ने वो जेड़े शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगण वाले उग पैंदे ने सीना फाड़ के पत्थरां दा। हिम्मत करनी जरूरी है, अपना टीचा मिथना बहुत जरूरी है, उस टीचे ते टाइम टेबल बना के उदे ते काम करना, संघर्ष करना, उदे ते सख्त मेहनत करना बहुत जरूरी है। जब तुसी अपना एक टीचा बन लोगे, सख्त मेहनत करोगे, तो पूरी कायनात थोड़ी मदद करेगी उस टीचे नूं पूरा करने वास्ते। ये मेरा यकीन है, मेरी गरंटी है कि तुसी एक बार अपना टीचा बनो कि मैं इत्थे पहुँचना चाहता, बड़ा टीचा रखो, उस टीचे नूं अचीव करने वास्ते सख्त मेहनत करो, टाइम टेबल बनाओ। जब तुसी सख्त मेहनत करोगे तो पूरी कायनात थोड़ी मदद करेगी उस टीचे नूं अचीव करने वास्ते। इस गल की मेरी थोनू गरंटी है, तुसी उत्थे पहुँचोगे जिथे पहुँचना चाहते हो, मेरा विश्वास है। और विश्वास करके उस पर काम करना शुरू करो। और यूनिवर्सिटी तुसी पढ़ते हो, जदों तुसी इत्थे भंगड़ा पैंदा देखते हो तो यह सोचना बड़ा जरूरी है कि मैं भंगड़े की टीम च क्यों नहीं है। जे NSS का कैंप लगे है तुसी उदे च क्यों नहीं गए। जे ग्राउंड दे विच शाम नूं एक्सरसाइज हो रही है तो तुसी उत्थे हाजिर होने चाहिए हो, तुसी क्यों नहीं। मैं खालसा कॉलेज पढ़िया, मैं भंगड़े की टीम विच भी सी, मैं NSS का कैंप भी लगाया, मैं NCC का भी कैडेट सी, मैं स्कूल की मैनेजमेंट भी सी उन्हां दे नाल कमेटी दे विच। जदों स्कूल कॉलेज दे विच फंक्शन हुंदा सी तां उहदी मैनेजमेंट कमेटी का मैंबर, फिर मैं इलैक्शन भी लड़िया, इलैक्शन लड़ के जनरल सैकटरी बनिया। मैं खेडां दे विच हैंडबॉल का प्लेयर सी, 3 बार नैशनल खेडिया, इंटरवर्सिटी खेडिया, 3 बार गोल्ड मैडल हैंडबॉल दे विच लिया, यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम च रह के। मैं इस करके दस रहा क्योंकि मैं नौजवानों नूं संबोधन कर रहा थोनू कि तुसी भी हर चीज़ दे विच हिस्सा लो, हर एक्टिविटी दे विच, कल्ली पढ़ाई भी नहीं, खेडोगे मिलवर्तन की, एक दूजे नाल रल के अगे बढ़न की थोनू एक तरीका मिलेगा, किस तरह जिंदगी दे विच इकट्ठे होकर अगे बढ़ के अपने टारगेट नूं अचीव कर रहे। नाल दे नूं उपर चको, जे थोड़े बापू कोल पैसे हैगे तो अपने दोस्तों दी फीसा दो, बड़ा जरूरी है उन्हूं नाल दे के उपर आना। एक गरीब है, जे तुसी क्रिश्चन हो तो सदामे नूं नाल बुलाओ कि तुसी आओ, उन्हूं नाल दे के उन्हूं तकड़ा करो जिहड़ा थोड़ा गरीब दोस्त है। ये बड़ियां इंपोर्टेंट और जरूरी गल्लां थोड़ी जिंदगी दियां। इसलिए मैं शायद ज़्यादा टाइम ले रहा थोड़ा, पर मैं जो मैं पढ़ता सी बस दे विच पास बनता सी, हुण नहीं बनता, हुण भी बनना चाहिए, हुण क्यों नहीं बनता, हुण भी बनावां, क्योंकि मैनूं तो पता है ना कि एक बारे पास बनता सी, उसके बाद तो उसी पर चली जाता सी पूरा साल, 3 महीने वाला फिर कदे न्यू कराया नहीं सी हुंदा। असलियत यही है, पैसे नहीं सी कि दोबारा रिन्यू नहीं सी करा हुंदा, फिर कंडक्टर साहब ने सलूट मारना पैंदा सी, यार ठीक है, वह भी कहना चल एक बार तो बनाया इन्हें। हालत तो यह है कि एक बार पास भी जोड़ा है जोड़ा कंसैशनल रेट पर बनना 10% से वह भी रिन्यू नहीं करा हो रहा साढ़े मुंडिया, तो यह असलीयत है, मेरी भी रही है तो अजय भी है। इस करके मैं समझना पेगा ना मेरे स्टेट के नौजवानों की क्या स्थिति है, मैं उस उन्होंने सुविधा देव, अच्छी पढ़ाई तो ही करे टीचर। मेरे टीचर का सुनो, भर्ती करे खरड़ का टीचर, मोहाली का, पटियाले का,
लगाया होया बॉर्डर से 3 साल हो गए, उसकी माँ नौकरी कर रही है नाल बैठी कुड़ी दे उत्ते, यार नेड़े ला दो उन्होंने। टीचर है जेड़ा, जे वह सौखा नहीं होएगा 2 घंटे बस जाएगा फिर पढ़ाएगा क्या 2 घंटे, फिर आना भी है क्यों ना उन्होंने 2-4-5-10 किलोमीटर के बीच नौकरी दे दो कि जिथे वह लगना चाहता है, नेड़े कर दो उन्होंने। ये असं कर लगे हैं अपने पंजाब दे विच, साडे पास किन्ने टीचर है सारे कितने ना कितने दूर मारे हुए है, ऐवी सजा दे जाते कहदे वास्ते। मैं कहा भी कि जी इन्हां नूं नेड़े करो, इस तो पहले जब मैं मुख्यमंत्री नहीं सी, कहिंदे जी 3 साल तो बॉर्डर एरिए दे लाएगा, भी बॉर्डर एरिए दे बंदे रख लो उत्थे वास्ते, वो नेड़े पढ़ा देणगे। हुण साडी कुड़ी है इत्थे दी, नाल मां गई भी एक वारी कुड़ी दे नौकरी तो मां कर रही उत्थे बैठी, इन्हां नूं सारिआं नूं नेड़े करना। इंपलाई है जिहड़ा साडा उहनूं सौख मिलनी चाहीदी, कंफर्ट जोन होना चाहीदा उहनूं, सरकार वो फैसिलिटेट करे कि वह अच्छा काम कर सके, इन्नी कु तनखाह उन्हें जरूर मिले कि उहदा गुजारा हो सके। ये थोड़ा कि 5-7 हज़ार दे विच लग्या होया तां कसाई जाओ उन्हें आउटसोर्स दे विच, सारी उम्र तलवार लटकी जानी है कि जी आउटसोर्स से लग्या होया। ये गल्लां असीं करांगे, टाइम आ रहा है, टाइम जिन्ना मैनूं मिलिया उहदे विच जिन्नियां कर सकदे करांगे, लेकिन एक सिस्टम तैयार करना है। लोग साढ़े सिस्टम तो तंग होए हुए, सिस्टम उलझा होया है। बाहर साढ़े NRI भरा बैठे है, मैं अपने पिंड तो उठ के खरड़ आया, मैनू हर टाइम अपने पिंड की सोच है कि मैं अपने पिंड सोहना बना सका, वधिया बना सका। मैं मंत्री बनया सब तो पहला अपने पिंड 51 लाख रुपया दे के आया, बी मेरा पिंड है, हर किसी को होंदा। इस तरह जो साढ़े NRI भरा बाहर बैठे है उन्होंने बड़ा फिक्र है, उन्होंने बड़ी सोच है, उन्होंने अपने पिंड प्यार है। वो कदे गुरुद्वारे को पैसे दे के जाते, कदे बस स्टैंड को पैसे दे के जाते, कदे शमशान घोट बना घाट बना के जाते, उन्होंने लगाओ है पिंड के नाल, वो लगाओ में असी मेनटेन करना, उस जोड़ना है। इस करके अपने पिंड वास्ते कुछ ना कुछ करना है, वो सारा कुछ असी सिस्टम के लिया के जोड़ा। वो साडे सिस्टम तो तंग है क्योंकि जा रहे थे तो कनेडा जाता बंदा, वो सोचता यार उधर तो गल ही कुछ होर, ना ट्रैफिक वाला रोकता है, जे तक तुसी गलती नहीं करते ट्रैफिक वाले ने रोकना ही नहीं, इत्थे ट्रैफिक वाला जे तुसी ठीक चल रहे तां रोकता है। ये सिस्टम नूं बदलना है, ये सिस्टम नूं सैट करना पैना है। क्यों रोकना भाई तुसी, जेड़ा दिल्ली का नंबर आ गया, राजस्थान का नंबर आ गया, वह तो जदे हाथ देते रुक 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 सैड पर लाओ, यार क्या करवाना था। मेरी गल सुनो, कोई गलती करती पंजाब च आ गया, क्यों रोक रहा भी तू इन। गल्लां बहुत छोटिया छोटिया पर प्रभाव बड़ा जा रहा है। पंजाब एक ऐसी स्टेट होनी चाहिए है कि जेड़ा इत्थे आवे उन्हें ये लगे कि यार नज़ारा आ गया है ही, अपन नज़ारे वाले हैं, पंजाबियों का सुभाव खुला है, पंजाबी दानी है, पंजाबी कुर्बानी कर जानता देश वास्ते, देश वास्ते लड़ना मरना जानता है, एक दूसरे वास्ते खुले दिल है पंजाबियों के। पंजाब का खाना, पंजाब का रहन सहन, पंजाब का कल्चर कितना अमीर है। तुसीं देखो कोई पिक्चर नहीं बनती जिहदे च पंजाबी गाने की तर्ज ना हो, चलती है कोई ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਦੀ ਤਰਜ ਲਾਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗਾ ਰਹੇ ਆ ਬੈਠ ਕੇ, ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਘੁੱਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਮਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, क्यों ना पंजाब का कल्चर इस तरह अगे बधे, क्यों साडे च कुछ थोड़िया जिहा कालिया पेड़ा, ये ट्रैफिक वाले होए या कुछ होर पैसे लेने वाले होए या साडिया रिश्तियां दे विच तंग करदे होए, इन्हां नूं क्यों ना असी कढ के बाहर मारीए। सही सिस्टम, वधिया सिस्टम देना पंजाब नूं, जिहदी मिसाल होवे सारी दुनिया दे, जां साडा NRI आवे उहनूं माण होवे, यार मैं अपने शहर विच आया, अपने पिंड च आया। हूँ वो कहना यार मैं कनेडा भी आया,
उरे तो सिस्टम ही हो रहा, मैनू कोई पुछता नहीं, कोई गलत नहीं गल, कोई वास्ता नहीं। मेरे तो उत्ते इतने ट्रैफिक तो ही तंग हो जाते, गड्डी नहीं चलाते आके कि यार कोई बिच मारे ना, तो भी पहले उरी चलाते होंगे वैसे, लेकिन बाद दे भी सिस्टम उत्थे दा देख लेंगे। सो सानू उस तरीके का सिस्टम देना पैना है, सिस्टम दे विच चेंज लियानी पैनी है। सिस्टम ही खराब है, सिस्टम दे विच करप्शन आई हुई है जिहड़ी, सिस्टम दे विच भ्रिष्टाचार तो अलावा सोच बदलनी पैनी। इस सोच नूं असीं एक लैवल ते लेके आवांगे जिथे साडी सही सोच मन्नी जाएगी। और इस दे आ जिम्मेवारी सारी टीचरां दे भी है, हालांकि इंप्लीमेंटेशन है जी लॉ की वह बहुत जरूरी है। लॉ साढ़े बने हुए, चंडीगढ़ के एंटर कर लगो तो बेल्ट ला लेंगे आप, मोहाली दे विच नहीं लाते। कारण क्या है? सिंपल जा कारण है, वो सैट करना पैना है। लेकिन जेड़ी गल टीचर ने कर देनी है, जेड़ी तुसी करनी है, वो मैं नहीं कर सकता। जेड़ा घुग्गी ने कह देना ना खड़ के स्टेज पर या पिक्चर के, मैं नहीं कह सकता। पिक्चर ऐसिया आनिया चाहिए जिड़ी देख सेध भी हो, कल्चरल खुशी कर खुश करने वाला भी हो, एक अच्छी स्टोरी भी हो, भी मैसेज हो कि अपने समाज में किस तरह सुधारना है। हूँ जे गाने वाला कह रहा डब्बा में बंद बोतल मुंडे मारते, फिर ललकारे, फिर साढ़े मुंडे ललकारे मार लग जाते। जे गुरदास मान कह रहा कि जी रोटी हक दी खाइए जी, भावें बूट पालसा करिए, फिर अगला कहना यार हक का काम करो, हक की रोटी खाओ। ये चीज़ा लेके आनियाँ हर समाज के, अपने समाज के हर तरह का बंदा जेड़ा भी सिस्टम के चंगा काम कर रहा, फिल्मा बना रहा, वो पढ़ा रहा है, वह गा रहा है, वह खेत में काम कर रहा है, उन सारे सुधारना है। सो अज मैं होर ज़्यादा नहीं, फिर किसी दिन थोड़े नाल आवांगा। मेरी अपनी यूनिवर्सिटी, मेरा अपना इत्थे इलाका है, तुसी सारे जाने अपने टीचरां दे नाल ते विद्यार्थियों दे नाल अज मैनूं गल करन दा मौका मिलिया। थोड़ा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद।